आज सभी जवान मेरे साथ 2 से 3 मिनट करके देखेंगे, लेकिन शर्त है सिर नहीं हिलाना, ऐसे ऐसे नहीं हिलेगा सिर, कंधे नहीं हिलेंगे, ऐसे कंधे नहीं मटकाएंगे, पूरे नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना, जो करें राइट मेथड के साथ करना। कोई भी पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में जिसमें आपको बैठने में अनुकूलता हो उसमें बैठ जाइए। तो मेरे साथ अभी कितनी देर करना है आपको? 3 मिनट, 2 से 3 मिनट। थक जाए तो बीच में 2-4 श्वास सामान्य लेकर के फिर कर लेना, तो आपको पता तो लगे कि 2-3 मिनट करने से होता है क्या, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले कीजिए। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द और बहुत कमजोरी हो, वो मत करना। चलिए स्टार्ट। आपको मैंने ये 2.5 मिनट तक करवाया, इस 2.5 मिनट तक के अभ्यास से जिन्होंने भी मेरे साथ किया उनको पता है, एक गले की नसें खींचने लगती हैं, ये खींचने लगती हैं और पसीना आने लगता है, अभी माथा गीला हो चुका है। और अब अगली बात, ये तो हुआ एक्सरसाइज के तौर पर, आप देखें तो लोग सोचते हैं दौड़ना, खेलना, कूदना, फादना, ये सब ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये है, 5 मिनट जो ऐसे कर लेगा ना, फिर उसके अंदर इतना बल आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोला? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेन, उसकी के मसल्स, उसकी बोन्स, उसकी पूरी बॉडी स्ट्रांग होती है। 5 मिनट तक करने में तुमको कम से कम 7 दिन लगेंगे।
प्रैक्टिस करने में। दूसरा राउंड करना है 2.5 मिनट का। एक दिन में नहीं हो पाएगा, फिर तुम थक जाओगे। ये सब ऐसे ऐसे एक बात और है, एक्सरसाइज ओवर करो ना तो कई दिनों तक मसल्स खींचते रहते हैं, दर्द होता रहता है। इसमें खास बात है कि ज्यादा कष्ट नहीं होता, थोड़ा एक ही बार यहां दुखेगा, थोड़ा सा ये दुखेगा, इतना नहीं तो मध्यम गति से कर सकते हो। देखो मध्यम गति है, उसमें तो पूरी जान लगानी पड़ती है। जब ऐसे करते हो ना तब 10-15 सेकंड तो कर लेते, एक मिनट खींचना मुश्किल हो जाता है। रिलैक्स, चल कर लेना, बता दिया है।